भोपाल में भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बूथ विजय अभियान पर चर्चा हुई और जीत के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प लिया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें भोपाल जिले के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा सहित संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान हर बूथ पर 2 घंटे का समय देने के साथ साथ हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भोपाल से जीतेंगे और मैं भाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास न नीति है और न ढंग का प्रत्याशी है। भोपाल की जनता सब चीजों का जवाब कांग्रेस को देगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। संगठन की बैठक में हम तो एक ही बात करते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंत पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे जमीन से जुड़े हुए एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल सीओर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, हम बूथ विजय अभियान को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रतिदिन हम 2 घंटे के लिए निकलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लाभार्थियों से संवाद करते हैं। वही बात आज हमने सभी कार्यकर्ताओं से की है, जो भी जिले का पदाधिकारी है, जो मंडल का पदाधिकारी है, जो भी पार्षद है, सब एक प्रतिदिन 10 दिन तक 2 घंटे तक वार्ड में रहेंगे और जनता के बीच में जाकर संपर्क करेंगे। देखिए कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। यहाँ पे भी राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, वहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसने बरसों कांग्रेस के लिए काम किया है, फिर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इससे बड़ी कांग्रेस के लिए दुर्दशा क्या हो सकती है। रहा टिकट का मामला, तो ये कांग्रेस का आंतरिक मैटर है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जो आएगा भोपाल की जनता जवाब देगी। आज भोपाल जिले के हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी पार्षद सम्मानी, जिले के मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि हर बूथ पे 370 वोट हमको बढ़ाना है, जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी के बाद अपने प्राणों की आहुति इस विचार के लिए दी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लक्ष्य के साथ इस चुनाव में उतरेगा कि हर बूथ पर 370 वोटों की वो वृद्धि करेगा और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि भोपाल सीओर लोकसभा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।